बिल्कुल जो मैं तो कर लूं सबर माने दिल ना मगर काश। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटो में। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो देखें फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो अपने नाम का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कैसे हम इस वीडियो को एडिटिंग किए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इस तरह की वीडियो एडिटिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कैसे इस तरह का वीडियो एडिटिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स काइनमास्टर। फ्रेंड्स, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ऐप ओपन करने के बाद यहां प्लस का आइकन दे रहे इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स 16:9 को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं, मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक फ्लावर का पीएनजी इमेज ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस इमेज को ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इमेज को टच करते हैं, यहाँ क्रॉपिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ टच कीजिए, आपका यह फोटो पैरेलल हो जाएगा, जूम नहीं करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जितना टाइम तक आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना उतना टाइम तक इसको बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स मीडिया से हम एक वीडियो ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस वीडियो को ले लेते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ टच कीजिए और फर्स्ट वाला को टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स वीडियो को टच कीजिए और यहाँ कैंची का आइकन दे रहे, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को टच करने के बाद नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाने, फ्रेंड्स यहाँ जाने के बाद मल्टीप्ले का ऑप्शन दे रहे इसको टच कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे किस तरह इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर का ऑप्शन में जाते हैं, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स मीडिया से हम एक वीडियो को और ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस वीडियो को ले लेते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ टच कीजिए और फिर फर्स्ट वाला को टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को टच करने के बाद आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाना है, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इफेक्ट इसमें आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहे, टेक्स्ट का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले मेरा लिखा हुआ था आई लव यू, तो चलिए सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एक ऑप्शन दे रहे, इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स अपने अनुसार से जो आपको फ़ॉन्ट लगाना है वो लगा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें से हम ये फ़ॉन्ट को लगाने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपका काइनमास्टर में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स काइनमास्टर के ऐप के स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस फ़ॉन्ट को लगा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स ओवरले का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे से आपको एक हार्ट शेप का इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस हार्ट शेप को ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स टेक्स्ट को टच करने के बाद हम यहाँ पर इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स टेक्स्ट को टच करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स सेंड टू बैक कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह मेरे इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर के ऑप्शन में जाते हैं, लेयर के ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स टेक्स्ट के ऑप्शन में फिर से जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स अपना नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नाम लिख देते हैं। फ्रेंड्स इसमें अपना जो भी लिखना है आपको वो लिख दीजिएगा। तो चलिए हम अपना नाम को लिख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आपको फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स फिर अपने अनुसार से कोई भी फ़ॉन्ट ले लीजिएगा। और इसका भी फ्रेंड्स 3 डॉट्स का ऑप्शन में जाने के बाद सेंड टू बैक कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखे होंगे मेरे वीडियो में थोड़ा सा फ्लावर पर इफेक्ट लगा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम उस इफेक्ट को लगा देते हैं। फ्रेंड्स फिर लेयर के ऑप्शन में जाते हैं, लेयर के ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स ओवरले के ऑप्शन में फिर से जाते हैं
और यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ फायरवर्क पार्टी का जो ऑप्शन दे रहा है, इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम कुछ इसमें से फायरवर्क को ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका काइंड मास्टर में यार नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स काइंड मास्टर के ऐप के स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा बढ़ाने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद फ्रेंड्स फिर वीडियो को बढ़ाने के बाद फिर लेयर का ऑप्शन में जाते हैं और फिर ओवरले का ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स फिर फायरवर्क पार्टी को एक ले लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जितना टाइम तक आप इस वीडियो को एडिटिंग कीजिएगा उस तरह से आप इसमें फायरवर्क पार्टी को ले लीजिएगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा सा छोटा करके ताकि ये देखने में अच्छा लगे। फ्रेंड्स जितना भी फोटो और टेम्पलेट हम इस वीडियो को एडिटिंग करने में यूज़ किए हैं फ्रेंड्स आपको सबका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको ऑल एडिटिंग लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जिप फाइल में डाउनलोड होगा, अनजिप करने के बाद फ्रेंड्स सब फोटो और टेम्पलेट आपका आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया। इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूरा वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दे रहे हैं, ऑडियो के ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स अपने फाइल से जो ऑडियो लगाना है ऑडियो लगा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं, शेयर का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यह वीडियो भी फाइल में बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।